सो गाइस योशी का न्यू चैलेंज आ गया, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले अर्थक्वेक स्पेल डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद 3 लाइटनिंग यहाँ पे डाल देंगे। चलो नहीं फूटा, अच्छा कोई बात नहीं, वहाँ से आगे चलते हैं। 3 बलून दोनों पे डाल देना है, जिससे दोनों एयर डिफेंस और जो पॉइजन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अब वो वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। जैसे वो फूट जाए वैसे हमें अपने चैंपियन को लेके आर्चर टावर पे डाल देना है, वो आर्चर टावर को, इन्फॉर्मर टावर को, और फिर एयर डिफेंस जैसे तोड़ेगा तब हमें अपना हेड हंटर को छोड़ना है, लेकिन उसके तब तक वहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे हमारा चल गया इन्फो टावर। अब यहाँ से जैसे ये टूटा वैसे मैंने डाल दिया हेड हंटर, और जैसे हेड हंटर दूसरे वाले रॉयल चैंपियन पास जाएगा वहाँ पे अपना फिजिक्स स्पेल डाल के रोक देना, फिर रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज़ कर लेना है, उसका जितना ड्रैगन वो पूरा ड्रैगन यहाँ से भर के उतार देना है। वहाँ ड्रैगन उतारने के बाद हम लोग ड्रैगन आगे बढ़ रहा है, साथ में बलून उतार दीजिएगा, और यहाँ से फ्रीजिंग स्पेल पहले मैंने डाल दिया यहाँ पे, जिससे हमारे बाकी ट्रूप्स बचे रहे। उसके बाद अब जो भी स्पेल बचा वो तो बच्चों का खेल है, वो तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने रेस डाल दिया, उसके बाद क्या करूँगा मैं फ्रीजिंग स्पेल यहाँ पे डाल दूँगा TH, और इन्फो टावर रुक जाएगा, और वहाँ पे स्केलनेस स्पेल डाल दूँगा जिससे वो वहाँ पे भटके रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें तीनों बलून को लेके वहाँ जो साइड में डिफेंस है उसको उतार देना है, जिससे वो वहाँ पे डाउन हो जाएगा। बस बेस खत्म हो गया, अब हमें बस बैठ के वेट करना है, बेस खत्म होने का। फिजिक्स स्पेल हाथ में है, उसके यहाँ पे डाल देते हैं, खत्म हो गया बेस। इसका आगे कुछ नहीं है, जाओ जाके आराम से लूट लो बेस, मतलब एकदम हलवा है इसको खत्म करना।